बन आ चुकी है। ये खेत से थोड़ी दूर थी तो अभी बाहर चलेंगे हमारे खेत में। पंजाब से आए बच्चे यही की है लाला जी। पटियाला जिला देखिए फर्स्ट इस एरिया में के तो ये हमारा बच्चे खेत है ना, इस एरिया में मिले खेत है। हाँ भाई इसके बारे में और बताएंगे। ये मशीन वैसे सोयाबीन की है नहीं, इसको कन्वर्ट किया है ना। सोयाबीन भी काट दिए, गेहूँ भी काट दिए, सरसों भी काट दिए, सभी कुछ काट दिए। कट्टी मारे होते हैं जान दो, जान दो। चल देखिए पेड़ काफी बड़ी मशीन है यार। ये वाला बीघा है? हाँ वो नीचे वाला कटेगा, इसके पहले आगे ले जाओ। पहले नीचे वाला? हाँ यहाँ से आपका सुविधा लगे वहाँ से लगा। ठीक ठीक ठीक। हाँ तो गाइस मशीन मेरे पीछे है, अभी हमारे खेत में जाने वाली है वो नीचे। देखिए बड़ी अच्छी मशीन है, अच्छी कंपनी वाली मशीन है। हार्वेस्टर से अलग है, सेटिंग करने में लग गई। तो फर्स्ट राउंड था उसका काटने का, वो थोड़ा सा सही शॉट जम नहीं पा रहा था। अभी ऑपरेटर भैया ने किया सही शॉट और अभी अच्छा काट रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हो हार्वेस्टर को, ये कटाई। तो गाइस ये आम हार्वेस्टर जैसी नहीं है, ये इसकी कटाई चल रही है पूरी पूरी। दोनों काम हो रहे हैं, वो ये पीछे भी उड़ाती है और साइड से पटकती है। चलिए बैक व्यू बताता हूँ आपको। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है क्योंकि पानी का मौसम है और पसीना टपक टपक पड़ रहा है, आप देख सकते हैं।
गाइस, उस टाइम शायद मेरी आवाज़ आपको आई नहीं होगी पूरी तरीके से, लेकिन इस बार हम जो मशीन लेकर आए हैं वो जो सादी हार्वेस्टर होती है उससे कुछ अलग है, क्योंकि इसमें आप पीछे देख रहे होंगे जो ऊपर की ये देखिए, मैं बताता हूँ आपको, जो फली की भोतरी है आप ये देख सकते हैं, दिखा, ये जो फली की भोतरी है इसको ये पीछे पीछे उड़ाती जाती है। मैंने पिछला वीडियो बनाया था, आप देख सकते हैं, गेहूं के टाइम का वीडियो, आज से 6 महीने वाला वीडियो देखिएगा, उसमें ये मशीन चली है, तो ये काटती जाती है और पीछे इसका जो बुरादा है जिसे हम सुखला बोलते हैं भैंसों को खाने के लिए, वो भरती जाती है, तो इसके पीछे ट्रॉली चलती है। और ये इसमें भी ऐसे ही करने वाली थी, लेकिन होता क्या है कि सोयाबीन का जो भूसा है वो लोगों को मतलब भैंसों को खाने के योग्य होता नहीं है, इसलिए इन्होंने ट्राली का सिस्टम निकाल दिया। और जो पीछे सुखला जो ऐसे ही था, जो थोड़ा बहुत बुरादा था पत्तियों का, नहीं पत्तियों का नहीं यार, फलियों का बुरादा, वो पीछे पीछे उड़ाता जाता, जिसे बारीक बोलते हैं, जो उड़ सकता है वो पीछे उड़ाता जाता है। और जो ज़्यादा भारी होता है, सोयाबीन की डंडी है ये ज़्यादा भारी है, तो इसे वह साइड से फेंकता जाता है, तो उसका भी मैं बताऊँगा कि कहाँ से वो फेंकता है। अभी हुआ क्या है गाइस, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, मैं पसीना पसीना हो रहा हूँ इसमें, तो आप मुझे देखेंगे थोड़ा सा मैंने ब्यूटी प्लस करके रखा है। तो वो क्या है कि मैं जैसे हार्वेस्टर के पास जाता हूँ, हवा का झोंका आता है, सारा का सारा बगदा मेरे ऊपर, मतलब सारा कचरा मेरे ऊपर आ जाता है, तो मैं थोड़ा सा यार परेशान हो चुका हूँ उससे। तो अभी देखिए ये साइड से फेंकता है, इसको भी मैं बताऊँगा कहाँ से फेंकता है। ओके, तो चलिए मैं और क्लिप्स देता हूँ आपको, अभी फर्स्ट खेत में आए हैं और सेकेंड ये रहेगा हमारा नीचे वाला, नीचे वाला देखिए, ये नीचे वाला खेत, ठीक है, और फिर जाएंगे हम सबसे बड़े वाले खेत में। तो अभी चलिए और बैक व्यू देता हूँ, ठीक है, रियल वाले, अब ब्यूटी प्लस वाले नहीं दूंगा, ठीक है। तो देखिएगा कैसे काटती है मशीन, ये ज़्यादा बड़ी नहीं है, बड़ी हार्वेस्टर से काफ़ी ज़्यादा छोटी है, तो इसलिए मतलब सफाई अच्छी देती है, उसी के लिए आप देख सकते हैं कहीं कहीं इसमें, फर्स्ट में जब चली थी तब सोयाबीन दिखे थे, लेकिन अब नहीं दिखेंगे क्योंकि अच्छे से सेट कर दिया उसे। चलिए पास आ रही है मशीन, मैं बताता हूँ आपको, जूम इन किया हुआ है अभी, पास जाऊंगा तो देखो कचरा बहुत उड़ेगा,
पीछे को बग दो है जो खाद लगी जाएगा खेत में।